हम ही नहीं लाए हैं, तीज का सबको ही लेके आ गए। देखते हैं, आशीष जी बोले कि हम आ रहे आधा घंटा में, बोले कि आ जाएंगे, नहीं आए और बोल रहे हैं कि मम्मी के साथ तुम चले जाओ। आपके चक्कर में हम मार्केट नहीं गए, सबको ही लेके आए, बोले हम कि आ जाएंगे 5 बजे। नहीं आ पाए तो लेट से गए, तो इतना मेहनत से तैयारी हो के। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक न्यू ब्लॉग। तो आप लोग कैसे दोस्तों, उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे दोस्तों। तो अभी बज रहा है दोपहर का एक और अभी से स्टार्ट कर रहे हैं और आशीष जी चले गए काम, और देखिए हम क्या किए हैं। ये ना पूरा फुल बाजू था, सबको कटवा उटवा दिए हैं। और आशीष आज हमारा होगा तीज का शॉपिंग दोस्तों। आशीष जी आएँगे तो फिर जाएँगे शॉपिंग करने। तो अभी देख सकते हैं मौसम भी किस तरह का, पूरा पानी आ रहा है जा रहा है सुबह से कितना बार। तो सारा कपड़ा भी अभी देखिए उठाना है, तो चलिए आगे सारा कपड़ा उठा लेते हैं और तब बात करते हैं आपसे। आशीष जी बोले कि तुम तैयारी व्यारी होकर रहना, फिर हम आएंगे तो शॉपिंग करने जाएंगे दोस्तों। तो हमारा तीज का शॉपिंग होगा दोस्तों। सारा कपड़ा तो उठा के रख दिए हैं, बस अंजलि का कपड़ा नहीं। और अंजलि गई थी नींबू लाने के लिए, नींबू मिला अंजलि? इसलिए नहीं दिया, नहीं बोले शाम में आई। तो बारिश जोर का हो गया, बिल्लू मत जा तुम आगे, नहीं लेके जा तबीयत खराब हो जाएगा। आ घर आ घर आ, तुम आओ तबीयत कर ले क्या नहीं उसको ले क्या। आप बिस्कुट देंगे, बिस्किट बिस्किट देखिए नहीं आने का नाम ले रहा है। हम जा रहे हैं, आ जल्दी दोस्तों। ये नहीं आ रहे, हम पानी पड़ रहे थे, पानी गिर रहा है। चल आ रहा है यार अंजलि, हाथ पसंद के रोटी बना दोगे खा लेगा दोस्तों। रोटी ना कम हो गया था और अभी अंजलि रिया ही थी, मतलब 3:30 हो गया, इतना लेट में आएगी तो कहाँ से होगा। तो ये अंजलि को बोले थोड़ा सा रोटी सान दो, क्या बोले थोड़ा सा आटा सान दो। ये लड़का गंदी बात, हटो चीनी नहीं है, नमक नमक नमक। तो चलो दोस्तों, अंजलि अब आटा सान के थोड़ा रोटी बना देगी, कि रिया आई है ना स्कूल से तो थोड़ा सा खा लेगा। और देख सकते हैं मौसम तो इस तरह का है। चीनी का निकाल लिया, हाँ निकाल लिया चीनी का डब्बा। देखिए चीनी खा रहा, क्या खा रहा रे ये ना, बहुत बनवास से चीनी खा रहा, ज़्यादा नहीं थोड़ा सा आटा सान, हाँ हो जाएगा इतना सान दो। चलो दोस्तों, रोटी बन रहा है हमारे घर पे और मौसम तो देख सकते इस तरह का है मौसम, पानी एकदम पड़ रहा है। पता नहीं आशीष जी आएंगे तो मार्केट जाएंगे कि नहीं जाएंगे, पता नहीं। तेरा जीजा बोला ना अंजलि शॉपिंग कराने ले जाएंगे, बाबू शॉपिंग कराने ले जाएंगे, पिज्जा खिलाने ले जाएंगे। और जहाँ बारिश आ गए, जहाँ बारिश आए ना शॉपिंग कराएंगे ना पिज्जा खिलाएंगे, कुछ भी नहीं बोलेंगे, घर पर बैठे रहो। तो चले तो ब्लॉग तो बने तो चले फ्रेंड में भी, तो हमारा रोटी भी बन रहा है और इधर रिया बैठ के खा रही है, अब हम भी जा रहे खा लेते एक दो सौ रोटी है ना। चले तो हम भी खा लेते, आप लोग भी रोटी और साग यहाँ है ना कि अंजलि? हाँ रोटी और साग खाएंगे तो हम खाएंगे, साग साग ले लेते हैं खा लेते हैं। तो खा पी लिए हैं और इधर अभी हम रेस्ट कर रहे हैं और देख सकते हैं धूप कितना कड़ा हो गया। अभी पूरा बारिश गिर रहा था और फिर धूप एक बार हो गया है, तो जा रहे फिर से सारा कपड़ा बार बार निकालो, बार बार अंदर करो, यही काम है। और मम्मी भी आ गई, आज जल्दी आ गई, ड्यूटी से आई है और अपनी सिस्टर घर गई है दोस्तों, कुछ काम होगा शायद तो गई हुई है। और आशीष जी को फ़ोन किया कि आप कब आ रहे, तो आशीष जी बोले कि मेरा 6:30 बज जाएगा। तो हम बोले ठीक है, 6:30 5 इतनी 5 बजे के बाद ही आ सकते हैं, तो 6 बज जाएगा मेरा कहने का है। देखिए क्या करते हैं, तब तक वेट करते हैं हम भी। तो चलिए ब्लॉग पे आप बने रहिए कंटिन्यू। अभी टाइम भी काफ़ी हो गया, 4:05 बज गया और यहाँ पर भी टहलने आए। और गुल्लू देखिए यहाँ पर क्या कर रहा, पूरा कादों में कंधा कर रहा, मारेंगे चल जल्दी, पूरा कादों में, पूरा कादों कादों कर ले चल, बहुत जल्दी से खेलते पूरा एकदम गंदा कर लिया। चलो अब घर घर चलो घर, यहाँ बोल रहे थे काफ़ी देरी से और एक काफ़ी देरी से पूरा खेल रहा है कादों में एकदम, छी 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 छी, चलो घर चलो अब पैर धो। देखिए भागा सीधा घर, देखना है छी छी छी, देखो मार किस तरह से खेल रहे हैं। चलो पैर धो लो, चलो मासी मारेगा, चल चल
फिर कैसे खेल रहे यहाँ पे लंगा उगा रहे। चल चल घर चल नहीं चल घर मारे ना तेरे को हम चल के हाँ पापा आएगा ना फिर अभी अभी ना दोस्तों कपड़ा सूखा नहीं अभी हम इसका कपड़ा ये किए हैं कादम अच्छी चाची मत इसको लीजिएगा पापा का कपड़ा गुस्सा से चल पैर धुला देंगे चल पैर धुला देंगे छिछी छिछी देखिए अपने से धो रहा है एकदम पैर देख रहे ना। तो चले तो काफ़ी टाइम भी हो गया और रात भी हो गया 6:30 हो गया और अभी तक आशीष जी नहीं आए बोले कि आ जाएंगे नहीं आए और बोल रहे हैं कि मम्मी के साथ तुम चले जाओ। अब हम इतना रात को देखते हैं मम्मी को बोलते हैं मम्मी अब जाएगी कि नहीं जाएगी पता नहीं और इतना रात हो गया आपको जाने भी नहीं चाहेगा और यहाँ पे गुल्लू इतना बदमाशी क्या कर रहे गोया क्या कर रहे कादो कादो सिर्फ खेलते बस। तो चले दोस्तों मम्मी को पूछते हैं कि मम्मी अगर जो जाएगी ना तो ज़्यादा दूर नहीं बगल में प्रेम नगर है वहीं पे जाके देखते हैं अगर गई तो नहीं जाएगी तो फिर हम भी यहीं पे रहेंगे दोस्तों। टाइम हो गया और अभी हम थोड़ा सा लेटे हुए थे और अभी का बज रहा देख सकते हैं 7 बजने वाला है दोस्तों और आशीष जी अभी तक नहीं आए फ़ोन करके बोले कि हम आ रहे हैं तो हम उन्हीं का वेट कर रहे हैं और गुल्लू हमारा पैर दाब रहा दोस्तों दर्द पैर दाब रहे ना बेटा दाबो मेरा बेटा देखिए दोस्तों पैर दाबता है दाबो नहीं दाबेगा देखिए अभी यहाँ पे लड़ाई करेगा और कुछ नहीं अब इसके साथ में दाबो पैर दाबो बेटा कैसे लड़ रहा है पैर दाबो ना देखिए कैसे बहुत बदमाश हो गया छोड़ मासी को छोड़ कैसे कर रहा है ऐसे कर रहा है कौन चाची कितना मिलाई 800 में बहुत मस्त है मॉल से लाई है जुक से लाई का पास पर कौन सा तो मॉल बताई हमको और कपड़ा पता मम्मी मेरे लिए लेने बोली ना नहीं ले ली तो हम जा रहे थे नहीं ले ली कम चाची तो बगल में चाची ली है उनका साड़ी आते हैं देख कर की कैसा लिए बहुत चारों साड़ी हम भी जाएंगे लाने के लिए हमको ऑरेंज वाला एक ब्लू टाइप था बहुत मस्त लग रहा है चले तो देखते हैं कैसा साड़ी लाई है चाची। तो साड़ी देखने के लिए हम आए थे चाची घर और साड़ी काफ़ी अच्छा है देख सकते हैं आप लोग भी ये देखिए यहाँ पे लिए ये साड़ी है काफ़ी अच्छा है देख सकते हैं इसका लुक भी अच्छा है और कपड़ा भी सॉफ्ट है और इसका भी अच्छा है और ये सब भी ठीक है बस सबको ही ले कर आ गए दोस्तों बस हम ही नहीं लाए हैं तीज का सबको ही ले कर आ गए देखते हैं आशीष जी बोले कि हम आ रहे आधा घंटा में तो आएंगे तो फिर हम भी जाएंगे तो देखते हैं इसका फ़ोटो खींच के रख लेंगे और जैसा होगा वैसा ले लेंगे कम दाम तक ज़्यादा दाम तक नहीं लेंगे वहाँ से आके बैठे हुए थे और आशीष जी भी आ गए देख सकते हैं यहाँ पे नहीं जाना है ना मार्केट हमको पता था आपसे तो उम्मीद ही लगाना बेकार काम पर से आ गए हैं दोस्तों और पूरा काम किए ना पर दिन भर पूरा धूल जम गया सर में पूरा एकदम कचड़ा तो अभी नहाएंगे हम और इधर तो नंदनी पूरा तैयार थे कि शॉपिंग जाएगी पर क्या करें दोस्तों उधर हम फंस गए हैं तो इसलिए नहीं आ पाए टाइम से क्योंकि टाइम से गए नहीं थे ड्यूटी तो कैसे आएंगे टाइम से तो उसी में फंसे नंदनी बोल रही है कि मैं तीज एकदम बेकार कर दिए बताइए तो नहीं गए शॉपिंग करने के लिए नहा दो तो फ्रेश हो गए थे रेस्ट भी कर लिए अब चलते हैं खाना खाने नंदनी खाना बना ली है नंदनी बनाई थी अंजलि बनाई आपके चक्कर में हम मार्केट नहीं गए सबको ही लेके आए सारे तो चल जाती है हम रोके थे क्या ना अकेला कहाँ जाते घूमने के लिए हम काम पे गए हो कितना टाइम लगेगा कौन जानता है तो समझ में नहीं आता कहाँ हो बेटा पैसा है पैसा चलिए आपको खाना ना खा पैसा है पैसा नहीं जरूर है चलिए खाना खाते हैं दोस्तों ब्लॉग को एंड करते चलते
अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा। मेरे को कुछ भी अच्छा नहीं लगा तो मैं मूड खराब है। काम पे जाएंगे तो ऐसे ही होता है, कोई टाइम टेबल नहीं होता किसी का। अब काहे बोले हम कि आ जाएंगे 5 बजे? अब नहीं आ पाए तो लेट से गए तो जितना मेहनत से तैयारी हो के नहीं से मुझे बोले थे 6 बजे तो बोल के गए थे। तुम ज्यादा साइड मत लो, बता के रखे थे पहले से। कल क्या 10:30 बजे ड्यूटी गए थे तो 8 घंटा का ड्यूटी होता है। अच्छा अब जीत गए ना। चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट ब्लॉग में।